हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया मस्त चल रही है। आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.3 और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन, एक नई एक्सरसाइज, क्लास को एंड तक देखिएगा। और हाँ, बीच में हम कपड़ा वगैरह बदल देंगे तो टेंशन मत लीजिएगा, बड़ी गर्मी लग रही है, बड़ा गंदा भी है, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन हम अलग कपड़ा में पढ़ाएं कुछ अलग में, तो ये मत सोचना ये तो काय अलग रंग बदल रहा है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब CSA आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखना मगर प्यार से। आइए इधर साइड में फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक शंकु बनाएंगे। शंकु बनाना आप लोगों को आता है, अच्छे से पता है। ऐसे एक शंकु बना लो राजा, जिसे इंग्लिश में कॉन बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। और कुछ दिया है? नहीं दिया है। CSA ऑफ कौन, यहाँ पर इसका सॉल्व लिखेंगे, हल लिखिए CSA ऑफ कौन, यानी जो कौन है मींस शंकु है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी मीडियम वाले लिख लें पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ, सॉरी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखो पाई आर एल, यही तो सूत्र होता है ना बबुआ, होता है ना। पाई का मान क्या रखोगे? 22/7। आर का मान क्या रखोगे? भाई रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा होता है ऑफ, तो ब्याज 10.5 है, तो जो रेडियस है 10.5 का आधा होगा, मतलब बटे 2 इंटू यल का मान 10 दिया है, ये कट जाएगा, काट दीजिए 7 × 7 और 7×5 = 35। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। 1.5 का 10 में मल्टीपल करोगे 15 हो जाएगा, और 22 का गुणा करोगे 15 में, क्यों यही तो बनेगा 22, लेकिन कहाँ से आएगा भैया? हाँ एक मिनट रुको, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नीचे 2 लिखा था इसको भी लिख लो, नहीं तो एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा ऐसे और भी कर लो, 2 से काट दो इसको, ये 11 आ जाएगा, तो इसको 11 कर लो, काहे लाइन बढ़ाओगे, तो 15 × 15 = 16, 165 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब ही होगा, स्क्वायर आएगा, क्षेत्रफल पूछा है ना। अगर ये वॉल्यूम होता, आयतन होता, तब आप इसे क्यूब में करते, सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, लिख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, देखिएगा मगर प्यार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी ऐसे होगा। कह रहा है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 12 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ध्यान से देखिए। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका त्रिज्या ऊंचाई दी गई है और आपको आधार का व्यास दिया गया है। देखो भैया सिंपल है ये भी बाबू, एकदम सिंपल है। लिखो, पहले लिखो दिया है, दिया है, क्या क्या दिया इसमें भैया, क्या क्या दिया बाबू इसमें? आपको CSA फाइंड करना है, क्या करना है? CSA फाइंड करना है। इसकी जो त्रिज्या ऊंचाई है वो 21 मीटर है, मीटर है कि सेंटीमीटर है? देखो प्यार से मगर प्यार से, मीटर है। आधार का व्यास 24 है, ये कितना है? ये 24 है, बस यही तो है, लगा दो फिर फटाफट। यहाँ पे लिखो दिया है, गिवन, गिवन लिखो, हिंदी में लिखो दिया है। देखो बाबू डी दिया है 24 मीटर, तो यहां से आर निकालोगे तो 12 मीटर आएगा, सिंपल है, चाहे तो सूत्र लगा के निकालो, वैसे लिख दो आधा होता है। यल दिया है आपका 21, पक्का? एनी डाउट? नहीं, और का दिया है? कुछ नहीं दिया है, लिख लो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, यानी टोटल सरफेस ऑफ एरिया TSA, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू आर प्लस यल। सूत्र तो पढ़ाया हूं आप लोगों को, पढ़े हो ना, मान रख दो सारे 22/7, आर का मान रेडियस कितना होगा 12,
ये 12 धन 21, एनी डाउट? नहीं, 22/7 × 12 × 33, कटे पीटेगा तो काट पीट लो, नहीं कटेगा ना, 12 से इसका गुणा करो, 12 × 24 = 4, 12 × 24 = 26, ये गुणा 33/7, इनका गुणा करके आप भाग दे लो बाबू, ये 1244 समथिंग आएगा, कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, कक्षा 9 में पहुंचे हो, नहीं आता तो बेसिक मैथ ज्वाइन करो, ठीक है, 1244.50 समथिंग आएगा, लिख लो, दिख रहा है ना आगे, अभी मैं क्वेश्चन हटा दूंगा, दिखने लगेगा तो परेशान नहीं होना, ठीक है, ये क्षेत्रफल आ रहा है ना, तो मीटर स्क्वायर आएगा, अभी मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ, रुक जाओ, क्वेश्चन हटा रहा हूँ, क्वेश्चन हटा दो भैया, हटा दो राजा, हटा दो, चलो देख लो, लिख लो फट से, चलो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा खत्म हुआ। किसी के मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है बोलो, नहीं ना, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें फटाफट फटाफट, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ें फिर, एनी डाउट किसी को? नहीं ना, चलो तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा ध्यान से देखिए, मगर प्यार से देखिए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 cm² है और इसकी त्रिज्या ऊंचाई 14 cm है, तो ज्ञात कीजिए पहला आधार की त्रिज्या, दूसरा शंकु को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ के सुना दे रहा हूँ, सुन लीजिए, इंग्लिश में सुनिए, कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन इज 308 cm² एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 cm, फाइंड फर्स्ट रेडियस ऑफ द बेस, मतलब आधार की त्रिज्या, सेकेंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, समझ गए, चलिए देखो बाबू, लिखो समझो, पहले दिया है, लिखो दिया है, हिंदी में इंग्लिश में लिखो गिवन, क्या क्या दिया है, गिवन क्या है, सबसे पहले तो हमें इसमें यल दिया है, यानी स्लैंट हाइट दिया है, यल दिया है, ये 14 cm दिया है, एंड सी एस ए दिया है 308 cm², ये दिया है, और कुछ दिया है, नहीं दिया है, ठीक है, फर्स्ट वाला फाइंड करिए, लिखिए, चूंकि जो फार्मूला होता है, लिखो बाबू सी एस ए, थोड़ा फंस रहा है वीडियो, क्या लिखो, जो सी एस ए, या हिंदी में लिख लो, चूंकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल, ये होता है, हिंदी में चाहे लिख लो, चूंकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया, अब ये चीज दिया है, अब पाई का मान रख दो 22/7, आर का मान, आर कहीं दिया है क्या हमें, हाँ दिया है कहीं, देखो नहीं दिया है, आर ही तो निकालना है, आधार की त्रिज्या यही तो निकालना है ना चाचा लोग, चलो निकाल लो फटाफट, निकाल लो आर, निकालो आर को छोड़ करके बाकी सारे मान रख लो, सिर्फ आर का मान छोड़ देना है क्योंकि वही निकालना है, इंटू एल का मान 14, 7 से काट दो 7 × 14, तो ये हो जाएगा आपको 308 = 22 × 44 इंटू आर, सही जा रहा है ना, अब ये हो जाएगा 308, इधर आएगा 44 भाग में हो जाएगा इक्वल आर, इसको जब आप काटोगे बेटा 44 से बंजा होता है 308, भाग दे के देख लेना, 7 = r आ जाएगा, या फिर इसे तुम r = 7 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही उत्तर हुआ, ठीक है, r का मान कितना है, 7 आ गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी करें, फास्ट करें, इसका अगला पार्ट पे बढ़ें, जल्दी करें, देखिए साथियों सेकंड में पूछ रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया आप कौन पूछ रहा है, यानी जो ऊपर का ये पार्ट है इसका भी और प्लस बेस वाले का, हमें दोनों निकालना पड़ेगा, तो लिखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हम शॉर्टकट में लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया इक्वल सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है, समझ रहे हो, देखो मतलब ये है कि अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले पूरे
शंकु का हम क्षेत्रफल निकालेंगे और नीचे आधार का भी लेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, तो इसको अलग से जोड़ोगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो कर लो फिर, इनको जोड़ देना है, कर लोगे कि नहीं भैया? आओ एक मिनट रुक के, काय को वो लाइक कर रहा है यार ये। चलो तो सी एस ए बाबू आपको दिया है 308 पहले क्वेश्चन में ही, प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या करोगे बताओ भाई? चलो रखो फटाफट, रखो फटाफट। आप कहोगे एरिया ऑफ बेस क्या है, आधार में देखो आखिर है क्या, आधार में एक सर्कल तो है ना, नीचे एक वृत्त ही तो दिख रहा तुम्हें, क्या है बताओ? अगर ये थोड़ा सा गोला बना दूं ढंग से तो एक वृत्ताकार तो नीचे बन रहा है, हाँ वृत्ताकार बन रहा है ना नीचे, तो एक वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया आया था अभी अभी 7 आया था, निकाला था ना, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, 1 7 से 1 7 काट दो, अबे भाई 1 आएगा बबुआ, हाँ तो ये 308, ये धन 154 हो जाएगा। 154 कैसे हो जाएगा? क्योंकि 7 का गुणा करोगे 22 में, जोड़ दो फटाफट, हो जाएगा 462 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आया? किसी को एनी डाउट? नहीं ना। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। जल्दी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी करें, फास्ट करें, देर ना करें, बहुत जल्दी करें। देखो बच्चों, अब इससे बड़ी क्लास तो आप लोग देखोगे नहीं, मैंने 10 मिनट में 3 क्वेश्चन पढ़ा दिया। आपका कोई डाउट है आप कमेंट करो, मैं बताऊंगा। अब आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। क्लास को अपने सहपाठियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ भी हो सके लिंक को शेयर करो, सबको बताओ। बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है यूट्यूब पर, PVR स्टडी पर, 9th एंड 10th सबका मैथ एकदम फ्री, टोटल कुछ भी नहीं आता आपको मैथ में, रात 9 बजे से बेसिक वाला पढ़ो। और हाँ, चलते चलते एक चीज़ और, आपका आने वाला जो डेट है ना 25 जून से, ये तो मैं भूल ही गया था, याद रखना आपकी क्लासें बाबू इस पे चलेंगी, चैनल नंबर 3 पर, ठीक है? याद रखना चैनल नंबर 3 पर क्लासें चलेंगी आपकी, इसे याद रखना। PVR स्टडी 3.0 यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 25 जून से PVR स्टडी इलाहाबाद पर आपको क्लास नहीं दिखेगी 9th 10th की, तो खोजना मिलेगा नहीं, इसलिए अभी तुरंत जाके सब्सक्राइब करो फट से।